प्राइवेट सिटी गुरुग्राम का राजनगर इलाका आज गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जहां एक ज्वेलर्स को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। वारदात शाम 4 से 4:30 बजे के बीच की है, जब शिव ज्वेलर्स के संचालक त्रिलोक सोनी दुकान पर काम कर रहे थे कि तभी 3 से 4 हथियार बंद बदमाश लूट के मकसद से ज्वेलरी शॉप में घुसे और दुकान संचालक को गन पॉइंट पर ले लूट का प्रयास करने लगे। जब त्रिलोक सोनी ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने एक के बाद एक 3 गोलियां मार त्रिलोक सोनी को छन्नी कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी नूर हसन की माने तो त्रिलोक सोनी के पेट में गोली लगी थी। मौके पर 2 से 3 फायर हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 गोलियां त्रिलोक को लगी हैं, जिसके बाद त्रिलोक को स्थानीय लोगों की मदद से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लूट के मकसद से अंजाम दी गई ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें वारदात में शामिल बदमाश मौके से फरार होते साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जी, ये राजनगर लिंक रोड की वारदात है और ये शाम को 4:15-4:30 बजे के बीच की वारदात है। उस वक्त हम लोग अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे थे, तो उधर भाई साहब ने हमको आवाज लगाई। हमने वहाँ देखा तो वो हमको अपनी हेल्प के लिए शायद कुछ कह रहे थे कि किसी को फोन करो, पता नहीं किस चीज के लिए फोन करने के लिए कह रहे हैं। फिर बाद में हमारी नजर पड़ी उनके यहाँ कमर से खून निकल रहा था। चल फिर हमको पता लगा कुछ हुआ, फिर हमने बाहर नजर दौड़ा के देखी तो एक बंदा भागते हुए जा रहा था, तो वो भी उसकी तरह पिस्टल तान रखे थे उन्होंने, वो मारते हुए ऐसे बाहर। हमें तो एक नजर आया, वैसे जो बाकी लोग है वो बता रहे करीबन 3 या 4, ये यहीं के लोकल है, यहीं के रहने वाले। ये हमें लग रहा है लूट के लेके गए या नहीं ले गए, ये तो जब भाई साहब आएंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि वो अकेले थे उस वक्त। बाकी टारगेट तो हमें लगता है कि पहले से ही था, सीसीटीवी फुटेज में उनकी तो जरूर कैद हुआ है, उनके शॉप पर भी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ लगे हुए हैं, अभी पुलिस डीवीआर लेके गई है। सर सुरक्षा का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, सबके हाथ में, बाकी हम किसी के ऊपर भरोसा तो कर नहीं सकते। आजकल जो माहौल चल रहा है सुनारों के लिए तो बहुत खराब है, क्योंकि ये आए दिन होती रहती है ऐसी चीजें, तो सुरक्षा के लिए लिहाज से तो बिल्कुल भी सही नहीं है जी, बिल्कुल असुरक्षित महसूस करते हैं हम अपने आप को। ऐसे आ जाएगा नहीं आएगा हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हम डेली अखबारों में ये चीजें पढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल लगता है ये कोई आज से नहीं लग रहा है, ये हमें करीबन 1.5-2 साल से लग रहा है, लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हम 40 साल से यहाँ पर है, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये पिछले करीबन 1.5-2 साल से तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन एक के बाद एक ज्वेलर्स पर फायरिंग और लूट की वारदातों ने खाकी की सेवा, सुरक्षा और सहयोग जैसे नारों की पोल खोलकर रख